சரிங்க குளு குளு ஐயா சரிங்க குளு குளு எப்படி இருந்து சரி ஐயோ सर बताएं जी जो आज का कार्यक्रम है। देखिए आज ये जो जानीपुर कॉलोनी एरिया है और जहाँ पर जो तीन मूर्ति मंदिर है, इस मंदिर परिसर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और ये जो आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इसका आयोजन किया गया है, जिसके हमारे प्रधान जेपी गुप्ता साहब हैं और बाकी सारे इनके सहयोगी हैं। आज आप देख रहे हैं कि जहाँ पर विभिन्न विभागों के जहाँ पर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी है और दवाइयाँ भी रखी गई हैं। लोगों का फ्री चेकअप होगा, उनको फ्री में दवाइयाँ वितरित की जाएंगी और उनको सलाह जो है वो भी दी जाएगी। तो इसलिए अच्छा लगा कि आज आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये कदम उठाया गया। जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ फ्री मेडिकल कैंप ही नहीं, समय पर समय की इजाज़त को देखते हुए अच्छा काम करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। और ये जो सोसाइटी है, कोरोना काल में भी इसने बहुत ही अच्छा योगदान जो था वो बीमारों को और ज़रूरतमंदों को किया था। आज की डेट में भी ये जो आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि वो जो ज़रूरतमंद हैं या हमारी वो बहनें जो विधवा हैं और उनको हर महीने पेंशन भी दी जाती है और ज़रूरतमंदों को समय पर कंबल वितरित करना, जाके राशन वितरित करना, या किसी शादी में अगर ज़रूरतमंद कोई गरीब परिवार की बेटी की शादी हो रही है तो उसको मदद करना, ये सारा जो है आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया जाता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस हम कैंप में आए हैं, जिसमें सारे डॉक्टर्स और जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो भी हैं और विशेष तौर पर हमारे परमित्र डॉक्टर विक्रांत जी हैं, जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि भाई एक सोसाइटी है यहाँ पर आएँ। तो मैं प्रयास करूँगा सोसाइटी वाले जितने भी हमारे लोग हैं उनसे मिलकर कि हमारा क्या योगदान इस सोसाइटी को मजबूत करने के लिए हो सकता है और उसमें हम भी पूरी मदद जो है वो करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। और आप भी कैंप एस्टैब्लिश हुई है ना। अच्छा डॉक्टर जी हैं, अंकुश जी हैं, हमारी पैरा मेडिकल वाली टीम के दवाई वितरण में, तो सारा एंटीबायोटिक पेन किलर विटामिन मल्टी विटामिन दवाइयाँ सारी जो है कुछ समाज से सहयोग मिला है, कुछ हॉस्पिटल से भी हमें।